नमस्कार साथियों, मैं राजगुरु तोमर भास्कर समाचार पर आपका स्वागत करता हूं। राजनीतिक कार्यक्रम के तहत हमारा कार्यक्रम जन जागरण राजनीति के साथ। आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनकी चार पीढ़ियां राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी है। आपका नाम विश्वास चौधरी और आप वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर आप कार्यरत हैं। पार्टी में आपकी एक विशेष पहचान है, उन्हीं से आज हम मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। विश्वास चौधरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, यही आपका परिचय है? जी हाँ, वर्तमान में ये मेरा दायित्व है मेरी पार्टी में। जी, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल। जी हाँ जी। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जीने वाले ये एक आपका एक ऐसा परिवार है। चेयरमैन साहब मरगिंदर सिंह उसमें हो, आप हो, अन्य आपके चाचा ताऊ रहे हो, आपकी दादी परदादी तक। कुछ एक थोड़ा सा परिचय बताए, कब से आप राष्ट्रीय लोकदल से आपका परिवार जुड़ा? राष्ट्रीय लोकदल से पहले भारत रत्न किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, उनकी विचारधारा से मेरा परिवार जुड़ा। जी, उस समय राजनीतिक दल का नाम राष्ट्रीय लोकदल नहीं था। जी, और 1937 में जब चौधरी चरण सिंह जी पहला चुनाव लड़े, हमारे आवास पर ही उनका चुनाव का कार्यालय जो है जी वह भी रहा। यूनाइटेड प्रोविंस तब नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, संयुक्त प्रांत, और बागपत गाजियाबाद के नाम से सीट तब इसका नाम हुआ करता था। और उस समय हमारे जो पूर्वज थे, मेरी परदादी उस समय परिवार की मुखिया थी, उन्होंने चौधरी साहब के साथ बढ़ चढ़ के, उनका शुभ नाम, दादी जी का क्या नाम था? उनका तो स्वर्गवास कई वर्ष पहले हो गया था। जी, चौधराइन अतरकोर। चौधराइन अतरकोर के नाम से वो यहाँ जानी जाती थी। तो उस जमाने में आपकी जो घर की मुखिया थी जी, दादी जी थी जी, तो मातृशक्ति का पहले से ही मतलब ये कह सकते हैं कि वंदन अभिनंदन होता रहा है। मेरे परदादा जी जो जनता वैदिक कॉलेज, जिसको जाट कॉलेज के नाम से क्षेत्र में जानते हैं जी, वहाँ के मेन संस्थापक रहे हैं, मुख्य फाउंडर रहे हैं चौधरी दिलीप सिंह जी। चौधरी दिलीप सिंह, उनके स्वर्गवास के बाद जी हमारी परदादी जी परिवार की मुखिया रही, और उसके बाद से मेरे दादा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे जी, उसके बाद मेरे पिता नगर पालिका बड़ौद के अध्यक्ष रहे। कहने का मतलब है कि राजनीति आपके परिवार के संस्कारों में काफी वर्षों से है, लगभग 85-90 वर्षों से सक्रिय राजनीति में आपके परिवार की भूमिका रही है। नहीं, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में 100 साल से ज्यादा का इतिहास है। 85-90 तो आप कम कह रहे हैं। जी जी। और इंडिविजुअली मैं जब सामाजिक जीवन में आया जी और कोई राजनीतिक दल ज्वाइन किया जी, तो मेरी पहली पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकदल। चलिए, मेरे पास कभी किसी पार्टी की और मेंबरशिप नहीं रही इसके अतिरिक्त। राष्ट्रीय लोकदल राजनीतिक पार्टी है, उसका एक राजनीतिक दर्शन है, एक सोच है, एक विचारधारा है, उसे आप बताएं वो क्या है। राष्ट्रीय लोकदल को आम आदमी कैसे समझे? देखिए, जो राष्ट्रीय लोकदल के फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें आज मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। जी बताइए। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से प्रेरित, देश के महापुरुषों से प्रेरित ये दल है। छोटे किसान, गरीब, मजदूर, मजबूर, मजलूम, नौजवान, बेरोजगार, इन सब लोगों की चिंता मेरे दल को है, उनकी सेवा के लिए मेरा दल है। तो इन वर्गों की सेवा करना ही आपका उद्देश्य है? हाँ जी। सर्व समाज, सर्व जातियां हमारे दल की विचारधारा में, प्राथमिकताओं में है। भाईचारा हमारी प्राथमिकताओं में है और आगे भी रहेगा। आपने कहा सर्व समाज, तो अभी हाल ही में अलायंस हुआ एनडीए में आपका, उसकी मुख्य घटक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनका भी एक नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नारे दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा से आपका पूर्व से ही मेल वैचारिक रूप से रहा है। जयंत चौधरी जी भारत रत्न मिलने के बाद चौधरी चरण सिंह जी को बोल रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनके कार्य में चौधरी चरण सिंह जी की झलक दिखती है। देखिए, हमारी पार्टी एनडीए का पार्ट बनी,
उसका औपचारिक ऐलान पिछले दिनों हुआ, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, मीडिया के माध्यम से सबको पता चला। ठीक, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में पहली बार शामिल नहीं हुई है, उससे पहले भी रह चुकी है। हाँ, पहले भी रह चुकी है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता कि एनडीए में हम पहली बार आए हों तो ज़्यादा क्वेश्चन आप करें। हम लोग राजनीति में हैं, राजनीति में दलों का गठजोड़ टूटना और बनना आम बात है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं हम कि आप किसी सत्ता के लालच से आए हैं या कोई किसी डर से आए हैं? देखिए, डर का मतलब तो हमारे दल से और हमारे नेता कार्यकर्ताओं से बहुत दूर है, डरवर कुछ नहीं। डर क्या, डर की बात तो छोड़ो, ये तो बहुत हल्की बात है। और रही बात राजनीतिक लाभ की, पिछले 10 वर्ष अगर हम राजनीतिक लाभ लेना चाहते तो 10 वर्ष पहले चले जाते जब से लोग सत्ता में हैं। अच्छा, 10 वर्ष किस बात का इंतजार करते? तो फिर किस बात का इंतजार किया? उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका में, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी में, अगर किसी ने यह विपक्ष की भूमिका निभाई तो मेरे दल ने निभाई, हमारे नेता कार्यकर्ताओं ने निभाई। किस बात का डर है और किस बात का लालच है? लालच सत्ता का और डर जो आजकल सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग की बात लगातार विपक्ष द्वारा कही जाती है, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हो या अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हो, उन्होंने ये कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी को अपने दल में, अपने समूह में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप विपक्ष का है। आदरणीय अखिलेश जी ने क्या कहा, उस अपने बयान की सफाई भी वही देंगे, अपना जवाब भी वही देंगे, उससे तो हमारा कोई सरोकार नहीं। हाँ, ये बात सच है, 2022 की विधानसभा, उससे पहले 2019 की लोकसभा, हमने उनके साथ मिलकर लड़ी, हमारे लोगों ने उन्हें वोट दिया, उनके लोगों ने हमें वोट दिया। और उनके बयान की कोई भी प्रतिक्रिया मैं तो इसलिए नहीं दे सकता कि उनके बयान तो उन्हीं के साथ हैं। ठीक है, ठीक है। और रही बात डर की, भय की, लालच की, तो हमारे दल में, हमारी विचारधाराओं में इन सब का कोई मायने नहीं है। लालच है हमें, बहुत लालच है। क्या? किसानों का भला हो जाए, बेरोजगारों का भला हो जाए, लालच है हमें, व्यापारियों का भला हो जाए। ठीक है, बहुत लालच है इन लोगों के लिए हमें। चलिए, आप इस लालच को जनता के हित में ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको लालच है तो जनता का हित करने का है, उसमें किसान हो, बेरोजगार हो या गरीब हो, उनकी मदद हो जाए, ये लालच आपको है। बिल्कुल, ये आप मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्हीं के लिए हम सड़कों पर संघर्ष करते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, अभी तक आपसे दूर थे, आप उनके साथ मिलकर, आपके कार्यकर्ता मिलकर अब एक संयुक्त रूप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में उतरेंगे, तो वो क्या विधि होगी, क्या रणनीति होगी जिससे दोनों साथ मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले? देखिए, विधि तो बड़ी स्पष्ट है, सामंजस्य बनाया जाएगा, जहां हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे वो हमें वोट करेंगे, जहां भाजपा के कैंडिडेट लड़ेंगे हमारे लोगों ने वहां कोऑपरेट करेंगे, वोट देंगे। अभी हाल ही में कुछ क्षेत्र के कार्यकर्ता रहे या यूं के राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग रहे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। कौन? हमारे क्षेत्र के कुछ ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व में जो सांसद थे केवल वही विकास करते थे, उन्होंने ही विकास किया है, अब वो विकास रुक जाएगा। ये कौन साहब हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, पूर्व में जो सांसद रहे हैं उनके साथ वे कार्य करते रहे हैं, उन्होंने ये बताया अपने हाल ही के बयान में, इंटरव्यू दिया भास्कर समाचार को ही, कि अब जंगल राज आ जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने सुना तो नहीं, जैसे कुछ लोगों से जानकारी लगी, सुभाष पहलवान जी हमारे यहाँ लोयन मलकपुर गांव से हैं जी, पहलवानी के माध्यम से उन्होंने हमारे पूरे क्षेत्र का नाम देश में रोशन किया जी, इस बात के लिए हम बहुत सम्मानित महसूस करते हैं, उन पे हमें गर्व है जी। बाकी उन्होंने अगर कोई राजनीतिक बयान दिया है तो मेरी जानकारी में उनके पास ना ही तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय कोई दायित्व है, हाँ शायद कोई पद तो है नहीं उनके पास। जो स्थानीय सांसद और विधायक लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, लिमिटेड लोगों से उनकी कुछ नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, ठीक है। और हो सकता है जो माननीय सांसद जी हमारे यहाँ डॉक्टर सत्यपाल जी रहे जी, क्योंकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और गठबंधन में सीट लोकदल के पास है, हिस्से में आई, ठीक है, हो सकता है उनकी भावनाएं आहत हुई हों और इसलिए उन्होंने अपने विचारों में थोड़ी कड़वाहट और कठोरता जाहिर की हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहलवान जी का परिवार और स्वयं पहलवान जी भी हमारी पार्टी में बहुत सक्रिय रहे हैं पूर्व में। हाँ, जितना वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने हमारी राष्ट्रीय लोकदल को दिया है, तो अब तो उन्हें स्वागत करना चाहिए था। वो
हो सकता है उनकी कोई निजी समस्याएं हों, वैचारिक मतभेद हों, और जिस तरह की कड़वाहट भरे बयान उन्होंने दिए हैं तो मैं तो उन्हें ज़्यादा शोभनीय नहीं मानता। ठीक, बाकी उनका अपना निजी विचार है, वो दे सकते हैं भाई, स्वतंत्र हैं सब लोग, बिल्कुल भारत बाकी में। निजी रूप से हमें उनका कोई वैर भाव नहीं, कोई विरोध नहीं, हमारे बड़े हैं इस क्षेत्र में, उनका सम्मान एज ए पहलवान बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नाम किया उन्होंने, हिंद केसरी वो रहे, आदर्श है पहलवानों के। और मैं समझता हूँ कि राजनीति में संभावनाओं का दौर बना रहता है, गठबंधन टूटते भी हैं, बनते भी हैं, लोगों के टिकट कटते भी हैं। कहावत है राजनीति में कि कोई इसमें ना स्थायी मित्रता है और ना स्थायी शत्रुता है। राजनीति में हम लोगों का जो सिद्धांत है वो तो स्थायी है और हमेशा रहेगा जी। जिन लोगों के लिए हमारी राजनीतिक पार्टी का गठन है, जिन विचारों के साथ गठन है, वहां हम कोई समझौता ना पहले करते थे ना हम करेंगे। चलिए, हाल ही में किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया, किसानों के लिए बड़े सम्मान की बात, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के आदर्श हैं। विपक्ष के द्वारा या कुछ अन्य लोगों के द्वारा कहा गया कि ये कुछ लालच था, आप इस भारत रत्न देने को क्या मानते हैं? भारत रत्न देना महामहिम राष्ट्रपति जी और भारत सरकार का हक है, उन्हें अधिकार है, वो दे सकते हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट को देते हैं तो देश भर में उसकी प्रशंसा होती है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी को किसान मसीहा देश के अंदर कहा जाता है, राजनीतिक पदों पर भिन्न भिन्न पदों पर वह रहे, सबसे बड़ा पद उनमें जो है प्रधानमंत्री जी वो रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, यूपी में मिनिस्टर भी रहे, उनकी ईमानदारी की एमएलए कहानियां अमर कहानियां है ना। और जो भारत रत्न उन्हें दिया गया, इस नाते देश भर में खुशी है, भारत सरकार के इस फैसले की प्रशंसा है। हाँ, जो लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं जी, या गठबंधन से जोड़ रहे हैं जी, मैं तो उन संकुचित सोच के लोग उन्हें मानता हूँ। ठीक है, है ना, हो सकता है जो साहब के विचारों से वो प्रभावित नहीं हो, उनके विरोधी रहे, उस विचारधारा को समझ ना पाए हो, है ना, तो राजनीति से जोड़ना इसको बिल्कुल खराब बात, गलत। ठीक है, हाल ही में श्री राम मंदिर अयोध्या में विराजमान हुआ, वहाँ बना, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा उसमें हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में से एक था, उसको उन्होंने पूरा किया। आपके ही पार्टी के विधायक एमएलए भी वहाँ रामलला के दर्शन करने गए। राम मंदिर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है, उसकी क्या उसमें विचारधारा, क्या उसकी राय है? देखिए, राम मंदिर देश की आस्था से जुड़ा प्रश्न है जी, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आपकी भी आस्था है राम में? सर्व जातीय, सर्व धर्म, सारा विश्व, ये सब मेरा एक परिवार है, इन सब लोगों से, सारी जातियों से, सारे धर्मों से मेरी आस्था है। ठीक है, जिस घर में मेरा जन्म है वह आर्य समाज और सनातन दोनों परंपराओं का साथ साथ चलती है। और जहाँ तक राम की बात है जी, विद्यार्थी जीवन से ही हमने आर्य समाज के कार्यक्रमों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नीतियाँ, उनकी मर्यादाएं, राजा राम, वनवासी राम, भगवान राम, इनके विचारों को बहुत सुना है, संस्मरण पढ़े और जीवन में उनको धारण किया। और राम कहीं नहीं थे, कहीं नहीं गए थे जी, राम तो यही थे, बिल्कुल तौर तरीके बदल गए, कुछ विवाद हुए, उनमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर पुरानी बातों को कोई जिंदा तो करे, बनता नहीं, उन्हें कुरे देगा तो वो एक नए विवाद को जन्म देगा, जिसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदुस्तान के समस्त समझदार लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने उसका स्वागत किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सरकारों को आदेश और निर्देश दिए गए थे, विवाद से जुड़े जो सामाजिक संगठन थे, उन्हें जो दिशा निर्देश दिए गए थे अदालत के फैसले के बाद जी, वहां पर काम हुआ, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, सर्व समाज में उसका स्वागत है, जो नहीं कर रहा है वो मूर्ख है। तो आपके लिए भी राम आस्था के आधार हैं? बिल्कुल है, पार्टी के लिए भी है वही विचारधारा, हाँ, पार्टी के लिए उसी से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका हमारे गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये गठबंधन से अलग की बात है, राम को राजनीति से मत जोड़ो, उससे ऊपर माने हम, वो धर्म और आस्था की बात है। ठीक है, आगामी चुनाव में क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा, माननीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी का क्या संदेश आप क्षेत्र की जनता को देंगे? जनता को संदेश बड़ा साफ है,
हम लोगों के गांव गांव जाके भी ये संदेश देंगे, आपके माध्यम से भी दे रहे हैं। देश का बहुत बड़ा चुनाव सामने खड़ा है। बिल्कुल, सरकार का गठन जिससे होगा भविष्य तय होगा, ठीक है, पूरे अगले 5 वर्षों का। हमारे देश में लोकसभा से बड़ा चुनाव सीधे जनता से कोई होता नहीं, कोई दूसरा इसके अलावा सबसे बड़ा चुनाव है। और चुनाव में हम अपने लोगों को, देश के लोगों को, पूरी लोकसभा को, पूरे देश प्रदेश को यही कहेंगे, हमारे मुद्दे वही हैं, हमारी डिमांड्स वही हैं, और जो काम हम विपक्ष साथ ही नहीं है, जो हम विपक्ष में रह के कर रहे थे, अब सरकार के साथ करके रहना चाहेंगे। आशा है कि हम अपनी मांगों को पूरा कर पाएंगे और जनता जिनसे लाभान्वित होगी। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का एक संकल्प, एक सपना उन्होंने लिया और दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से ये बात उन्होंने कही, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और वे स्वयं भी विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रयासरत है। आपकी पार्टी विकसित भारत के संकल्प के बारे में क्या सोचती है? देखिए, भारत विकसित हो 2047 तक का उनका टारगेट है। टारगेट है, अच्छी बात है। जब टारगेट रख दिया जाता है तो आदमी और ज्यादा लगन और मेहनत से काम करता है, उसके मन में भाव रहते हैं कि फला समय तक हमें ये काम कर देना है। रही बात विकसित भारत की, भारत विकसित हो इस नाम पे तो कोई इलेक्शन ही नहीं, सारा देश इस बात पे देख रहा है भारत विकसित होना चाहिए, भारत की तरक्की होनी चाहिए। अन्य पार्टियां इस पर बात नहीं करती, विकसित भारत पर करनी चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट अगर नहीं करती है, प्रधानमंत्री जी ने दिया था, अगर नहीं करती है तो इसीलिए पिछड़ रही है। तो आप करते हैं? हम तो पहले विपक्ष में थे तब भी करते थे, अब भी करेंगे। तो आपका कोई अलग मॉडल है विकसित भारत का, या यही मॉडल आपका है जो प्रधानमंत्री जी का है? वर्तमान में विकास के लिए भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें समय समय पर हम लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे, जो हमें सुधार की जरूरत लगेगी बताएंगे, और देश का विकास निश्चित रूप से होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। किसानों की पार्टी कही जाती है, किसानों का आंदोलन चला था, अभी कुछ धीमा पड़ गया, उस पर आपकी क्या राय है? जो किसान आंदोलन हुआ था, ये बात सच है कि आजाद भारत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन वह था। उसके बाद जो भारत सरकार ने वो तीनों कृषि कानून रद्द किए थे, उसका हमने स्वागत किया, ये बात जरूर है। थोड़ा लेट फैसला उसमें हुआ, वह फैसला पहले हो जाना चाहिए, तो वापस लेने चाहिए थे, वो निश्चित रूप से वापस लेने चाहिए थे, तभी तो लिए गए। ठीक, तो अभी MSP पर एक लड़ाई चल रही है, राष्ट्रीय लोकदल MSP पर क्या राय रखता है, क्या सोचता है MSP? देखिए, केवल MSP की बात नहीं है, वर्तमान में जो आंदोलन फिर से छिड़ा है, एक तो वह अभी उतने बड़े स्तर पर नहीं है जो पूर्व का आंदोलन था। अच्छा, अभी उसमें सीमित किसान, उसमें सभी किसान संगठन नहीं जुड़े हैं, आप ये मानते हैं? उतने वृहद स्तर पर नहीं जितने पिछले वाले आंदोलन में थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था वो भी अभी तो इससे परहेज ही कर रहा है। अच्छा, ठीक है, वो भी मतलब आप मानते हैं कि इसमें सभी किसान नहीं जुड़े हुए हैं? किसान तो जुड़े हैं लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं, अभी वो केवल जो है पंजाब से उसकी शुरुआत है, और पहले जैसे पुराने आंदोलन में कई राज्य एक साथ इकट्ठे थे, कई सारी जत्थेबंदियां इकट्ठी थी, कई सारी किसान यूनियन एक मंच पे आई थी, जो वैचारिक रूप से अलग अलग भी थी वो भी सब इकट्ठा हुए थे, तो उस तरह के लेवल का ये आंदोलन नहीं है। कल राष्ट्रीय, अपनी जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नरेश टिकैत जी, उन्होंने ये कहा कि एक बार चौधरी जयंत जी को हमसे पूछ लेना चाहिए था, राय शुमारी उन्हें कर लेनी चाहिए थी गठबंधन करने से पूर्व। आज के मुख्य समाचार पत्रों में उनका ये वक्तव्य है, आपने भी पढ़ा होगा। किसान नेता होने के नाम पर, खाप के मुखिया होने के नाम पर हम उनका बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं, बाकी किसान यूनियन जो है वो कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। नहीं, वो तो अराजनीतिक लिखते हैं, राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक दल है। ठीक है, तो मशवरा क्यों किया जाएगा फिर राजनीति पर? यानी आप संप्रभु हो, सोवरेन है आप, है ना, यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन। नहीं, हमें आवश्यकता है सलाह मशवरे की, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन एक सामाजिक संगठन और एक राजनीतिक संगठन दोनों में अंतर है। भारतीय किसान यूनियन को राजनीतिक दल नहीं है, हमने मशवरा लिया है अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से, अपने MP MLA से, अपने कार्यकर्ताओं से, पूर्व विधायकों से, ठीक है, सीनियर सबकी आम सहमति के बाद ही हुए या कुछ विरोध भी रहा? चौधरी साहब ने राय मशवरा किया, उसके बाद निर्णय लिया सर्वसम्मति से, कोई विरोध इसमें नहीं रहा। देखिये, मैं फिर कह रहा हूँ, टिकैत साहब का जो बयान है कि राय मशवरा हमसे लेना चाहिए था, वह कह दें कि भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक दल है, हम मशवरा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा,
वो तो अराजनीतिक है साफ साफ, वो तो किसान की सेवा करता है, समाज किसानों की सेवा। के मुद्दे पर कभी कोई बात होती है तो हमारी पार्टी, हमारे चौहान साहब, हम लोग उनसे राय मशवरा लेते हैं जी, आगे भी लेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए विश्वास चौधरी जी, इतनी बेबाकी से आपने पार्टी का ये व्यू रखा, पार्टी की विचारधारा रखी, एनडीए के साथ अलायंस पर आपके एकदम स्पष्ट विचार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जयंत चौधरी जी जुड़े, विकसित भारत में वो आगे आएंगे, इन्हीं संकल्पनाओं के साथ आपने अपना आज बेबाकी से ये साक्षात्कार दिया, अपनी चर्चा रखी, धन्यवाद। दूसरे एपिसोड में फिर हम आपके पास आएंगे। साथियों, आज हमने प्रदेश प्रवक्ता विश्वास चौधरी जी से विभिन्न मुद्दों पर बात की और उसमें मुख्य रूप से आज की वर्तमान की राजनीतिक घटनाएं थी। अगले अंक में फिर ऐसी एक शख्सियत के साथ हम मिलेंगे, तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।